which one of the following equations of motion represent simple harmonic motion, इनमें से कौन सा आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए, तो यहां पर सीधा सीधा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही इस फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, यहां एक्स स्क्वायर आ रहा है इसलिए नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंपल देखने से पता लग रहा है।